अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट इज़ अबाउट एजुकेशन फॉर वुमेन। पेज नंबर 93, यूनिट नंबर 10, एजुकेशन फॉर वुमेन। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस यूनिट वी विल स्टडी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन। स्टार्ट रीडिंग। द पॉपुलेशन ऑफ वुमेन is about equal to the population of man in the world. Population mean abadi, women mean औरतें, equal mean बराबर। और दुनिया में औरतों की आबादी तकरीबन मर्दों के बराबर है। Many people think education is not necessary for women, but they are wrong. Many mean बहुत से लोग, people mean लोग, think mean सोचना। बहुत से लोग सोचते हैं, नेसेसरी मीन ज़रूरी, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एजुकेशन जो तालीम है वो औरतों के लिए ज़रूरी अहम नहीं है। बट दे आर रॉन्ग, रॉन्ग मीन गलत, लेकिन वो गलत हैं। एजुकेशन फॉर ऑल इज़ द मोटो ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। मोटो मीन नारा, मॉडर्न मीन जदीद, वर्ल्ड मीन दुनिया। जदीद दुनिया का ये नारा है एजुकेशन फॉर ऑल। नॉलेज इज़ पावर। नॉलेज मीन इल्म। इल्म क्या है? पावर। पावर ताकत है। दिस पावर इज़ नेसेसरी फॉर मैन एज वेल एज़ वमेन। ये ताकत मर्दों के साथ औरतों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेसेसरी मीन अहम या ज़रूरी होना। वमेन हैव द राइट टू गेट एजुकेशन। राइट मीन हक, गेट मीन हासिल करना। औरतों का ये हक है कि वो इल्म हासिल करें, तालीम हासिल करें। आर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड, हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सीकिंग ऑफ नॉलेज इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मुस्लिम। सीकिंग मीन तलाश करना, नॉलेज मीन इल्म, ऑब्लिगेटरी ज़रूरी है। हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना तमाम मुसलमान मर्द और औरतों पर फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है या ज़रूरी है। इट इज़ सेड दैट, ये कहा जाता है, इफ़ यू एजुकेट अ सिंगल वमेन यू एजुकेट, इट इज़ सेड दैट, कहा जाता है, इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट सिंगल पर्सन, बट इफ़ यू एजुकेट सिंगल वमेन यू एजुकेट होल फैमिली। ये कहा जाता है कि अगर आप एक आदमी को तालीम देते हैं तो आप एक सिंगल पर, सिंगल मीन अकेला, वन पर्सन, एक आदमी को तालीम देते हैं, लेकिन बट इफ़ यू एजुकेट, लेकिन अगर आप सिंगल वुमेन, एक औरत को तालीम देते हैं, यू एजुकेट होल फैमिली, होल मीन तमाम, फैमिली मीन ख़ानदान को तालीम देते हैं। देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशन फॉर अ वुमेन। एडवांटेज मीन फ़वाद, बहुत सारे औरतों की एजुकेशन के फ़वाद हैं। शी कैन बी अ बेटर मदर, she can help her husband, she can prove to be a better daughter and a better sister. Better mean better, ये एक अच्छी माँ बन सकती है औरत। she can help her husband, अपने हस्बैंड की, अपने हामिद की, अपने शोहर की हेल्प कर सकती है। हेल्प मीन मदद करना। she can prove to be a better daughter and better sister, और ये एक अच्छी बेटी और एक अच्छी बहन भी साबित हो सकती है। if women are educated, our country will make great progress. अगर औरतें तालीम हासिल करें तो हमारी कंट्री, हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। प्रोग्रेस मीन तरक्की करना। एन एजुकेटेड वुमेन कैन बी अ गुड टीचर एंड अ गुड डॉक्टर। एक तालीम याफ्ता औरत एक अच्छी टीचर और एक अच्छी डॉक्टर बन सकती है। एजुकेटेड वुमेन आर टीचिंग इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तालीम याफ्ता औरतें जो हैं, पढ़ लिखी औरतें, स्कूल और कॉलेज में पढ़ाती हैं। दे आर वर्किंग इन बैंक्स, और ये काम कर रही हैं बैंक्स में। दे आल्सो वर्क इन डिफरेंट ऑफिसेज, और ये मुख्तलिफ दफातर वगैरह में भी काम कर रही हैं। वुमेन्स एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। कंट्रीब्यूट मीन हिस्सा लेना, डेवलपमेंट तरक्की। औरतों की तालीम मुल्क की तरक्की में भी हिस्सा लेती है। ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन। डेवलप्ड कंट्रीज, तरक्की याफ्ता ममालिक, रियलाइज मीन एहसास होना,
इम्पोर्टेंस मीन अहमियत। तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक को औरतों की तालीम की अहमियत का अंदाज़ा हो चुका है। वी आर बिहाइंड अदर नेशंस बिकॉज मैनी मैन इन आवर कंट्री आर अनएजुकेटेड। बिहाइंड मीन पीछे, नेशंस मीन कौमें। हाँ, बहुत सारी ममालिक बहुत सारी कौमों से बहुत ज़्यादा पीछे, क्योंकि मैनी मीन बहुत ज़्यादा वमेन, बहुत ज़्यादा औरतें हमारे मुल्क में अनएजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी नहीं। अनएजुकेटेड मीन अनपढ़ हैं। Therefore, it is extremely important to educate women. ताहम औरतों को तालीम देना extremely mean इंतहाई, important mean ज़रूरी है। औरतों की तालीम इंतहाई ज़रूरी है।